करो, मेरे पास आज से आना बंद कर दो। वो आखिरी दिन था। उसके बाद गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में जाना और उनको अपने पास बुलाना बंद कर दिया। और उसके 10-12 दिन के अंदर 3 जुलाई से लेकर 17 जुलाई 1947 के बीच में इन्होंने बहुत सारे वो काम कर दिए कि बंटवारे में कौन सा हिस्सा पाकिस्तान जाएगा, कौन सा भारत रहेगा, आर्मी का बंटवारा कैसे होगा, लोगों का बंटवारा कैसे होगा, पैसे का बंटवारा कैसे होगा, वो सब फॉर्मूले तय कर लिए। अंग्रेजों ने एक अधिकारी भेज दिया, उस अधिकारी ने बाउंड्री लाइन तय कर लिया और उसके बाद सब कुछ तय होकर 14 अगस्त रात 12 बजे उन्होंने भारत को तथाकथित आजाद कर दिया 2 टुकड़े करके, भारत और पाकिस्तान। मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक कहने आया हूं ये कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कोई वैचारिक आंदोलन का परिणाम नहीं था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कोई बहुत बड़े युद्ध क्रांति का परिणाम नहीं था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा दो नेताओं के चरित्र से उतर जाने का दुष्परिणाम था। हमारे यहां ये कहा जाता है कि सामान्य आदमी दुष्चरित्र हो जाए तो उसका स्वयं का पतन होता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पद के दावेदार व्यक्ति के चरित्र का पतन हो जाए तो राष्ट्र का ही विनाश होता है।